नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की सुपरफास्ट खबरों की ओर। पीएम मोदी बोले, दुनिया को शरणार्थी अधिकारों की दुहाई देने वाले खुद शरणार्थियों के लिए बने सीए कानून का विरोध कर रहे। मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सही बात करने वाले आज उन लोगों से चिढ़ते हैं जो सही चीजें करने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, ग्राहकों का एक एक रुपया मिलेगा। यूपीए पर फोड़ा बैंकिंग सेक्टर की दुर्दशा का ठिकरा। यस बैंक संकट पर निर्मला सीतारमण ने आरबीआई से मांगी रिपोर्ट। बोली, एक साल तक नहीं जाएगी किसी की नौकरी। यस बैंक में भगवान जगन्नाथ के भी जमा है 545 करोड़। आरबीआई ने बढ़ाई पुजारी और भक्तों की चिंता। गुजरात राजकोट महानगर पालिका के 164 करोड़ रुपए भी फंसे। पुलवामा अटैक में एनआईए ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार। आतंकियों को विस्फोटक और रहने की जगह मुहैया कराने का आरोप। भारत में कोरोना वायरस की दहशत, हर्षवर्धन बोले, डॉक्टरों की निगरानी में 30,000 लोग। कोरोना वायरस को लेकर सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों से वायरस से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। महाराष्ट्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज अयोध्या पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे, सरयू आरती में नहीं होंगे शामिल। कांग्रेस के खजांची अहमद पटेल को इनकम टैक्स ने समन भेजा, 550 करोड़ का मामला। केंद्र सरकार पर विपक्ष ने बोला हमला। मुंबई में यस बैंक के फाउंडर संस्थापक राणा कपूर के घर पर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूतों की तलाश। दिल्ली चुनाव को लेकर 50 हारे प्रत्याशियों के साथ बैठक में बीजेपी का आंतरिक आंकलन, दलितों और सिखों का नहीं मिला साथ। उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की तैयारी में भीम आर्मी, बसपा के लिए खड़ी होगी मुश्किल। चंद्रशेखर 15 मार्च को करेंगे राजनीतिक पार्टी का ऐलान। कमलनाथ के मंत्री बोले, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान किया तो सरकार पर छाएंगे संकट के काले बादल। अमेरिका तालिबान समझौते के 6 दिन बाद ही बड़ा हमला, राजनीतिक रैली में हुई गोलीबारी में 27 लोगों की मौत। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।